देश भर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा अंबेडकर जयंती समारोह में चिराग पासवान ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर कठिन परिस्थितियों में रहकर समाज में एक अलग पहचान बनाई और अपने लक्ष्य को हासिल किया। उन्होंने भारत रत्न का सम्मान प्राप्त किया और संविधान में SC ST एक्ट बनाया, जिससे आज समाज में सबसे पीछे रह रहे समुदाय को काफी मदद मिल रही है। आज मैं देखता हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। ऐसे दिनों का महत्व इसलिए बढ़ता है ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी हमारे नेता के बारे में बता सकें, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों के बारे में बता सकें, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी सोच को हम लोग आगे लेकर जाने का हम लोग प्रयास करें। जयंती दिवस हो, पुण्यतिथि हो, इन तमाम कार्यक्रमों के आयोजनों का महत्व ही इसी देश के साथ है और जरूरी है इस सोच आगे बढ़ने। किन परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक गरीब परिवार का जन्म लेने के बावजूद किस तरीके से संघर्ष करते वो आगे आया, वो भी उस दौर में जब खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को अशुभ मानकर समाज से बाहर रखा जाता रखना जाता था, ये तमाम बात को झेलते हुए भी इन लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। हार नहीं तो यही सीख हम लोग को अपनी आने वाली पीढ़ी को देनी और इसको अपने जीवन में भी अपनाने का हम लोग को काम करना। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमेशा यही कहते शिक्षित संगठित संघर्ष। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर को एक दलित अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ के साथ समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के खिलाफ समर्पित कर दिया। पटना से संजीव कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।